नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अंतिम राशि लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। मीन राशि 8 नवंबर के दिन आप अपने परिवार के मामलों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। परिवार के प्रति आपका जो प्यार है, अपनापन है, इस अपनेपन की वजह से परिवार के लोगों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जरूरत से ज़्यादा बंधन दिखाने की कोशिश ना करें, जरूरत से ज़्यादा रोक टोक लगाने का प्रयास ना करें। वैसे धन के मामले में अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो 5 नवंबर को सफलता मिलने के संकेत हैं। 5 नवंबर को अपने व्यापार को नई दिशा भी दे सकते हैं या जॉब में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। 6 नवंबर के दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं, कोई आगे पीछे नहीं है और आपको ही सब कुछ करना है। सारी प्रक्रिया आपके ही हाथ में है, आपके ही ऊपर आ गई है और यहाँ पर आप सही हैं। आपको स्वयं ही अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेकर आगे बढ़ना है। आप एक बार जब आगे बढ़कर काम शुरू कर देते हैं तो पहले भी आपने देखा होगा कि जब भी आप अकेले आगे बढ़ते हैं तो चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाती हैं, लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है। 6 तारीख को आप थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हैं कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे या वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे जिनसे आपको मदद चाहिए। तो यहाँ पर अकेले आगे बढ़ें, अपने आप पर विश्वास करें और जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो सारी चीजें आपके फेवर में स्वतः आ जाएंगी। वैसे द्विपक्षीय मामलों के लिए ये दिन बढ़िया रहेगा। किसी साझेदार को समझाने के लिए दिन बढ़िया है। व्यक्तिगत संबंधों में द्विपक्षीय मामलों के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। 7 नवंबर के दिन कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें आपने स्वयं ही बुला लिया है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी व्यक्ति को बुरा भला न कहें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति को उत्पन्न न होने दें। अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं से निपटने का प्रयास करें, न कि उन समस्याओं को बढ़ाने का। यहाँ पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 7 तारीख को आपको थोड़ा सा मजा आ सकता है वाद विवाद को बढ़ाने में, खींचने में, लेकिन यहाँ आपको इसका विपरीत कार्य करना चाहिए, वाद विवाद को खत्म करना चाहिए। 7 नवंबर के दिन किसी भी व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को लेकर के किसी भी तरह का कोई कार्य ना करें। कोई कार्य का मतलब कोई बातचीत ना करें, किसी प्रकार की प्लानिंग प्लॉटिंग ना करें। 8 नवंबर के दिन आप काफ़ी प्रेमपूर्ण बने रहेंगे और अपने अंदर एक स्थिरता भी महसूस करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, आपके द्वारा सोचे गए कार्य आगे बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इसलिए आप अगर कुछ प्लान करना चाहते हैं तो उसको प्लान करने के लिए 8 तारीख बढ़िया दिन है। 8 तारीख का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। जब आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, समाज में इस दिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी बातें सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 8 तारीख को किसी को सलाह ना दें जब तक वो आपसे सलाह ना मांगे। बिना मांगे सलाह देंगे तो आपका जो सम्मान चल रहा है उस सम्मान में कमी आएगी। इन 4 दिनों में प्रेम संबंधों, व्यापार और वैवाहिक जीवन, इन तीनों के लिए 7 तारीख अच्छी तिथि नहीं है, बाकी 3 दिन बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 5 से 8 नवंबर तक के लिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।